नमस्कार, मैं सत्यम तिवारी, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। हैदराबाद में जो भी कांड हुआ, जो कि एक वेटनरी चिकित्सक को रेप करने के बाद उनको जला दिया गया, उसके लिए आज यहां पे जंतर मंतर पे धरना पे बैठे हैं लोग। और वो कह रहे हैं कि कई सारे नारे लगा रहे हैं कि रेपिस्टों को फांसी दो, निर्भय के निर्भय वाले लोगों को अभी अभी फांसी नहीं हुए। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं, पूरे लोगों को हम चाहते हैं आप दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पे मीडिया का भी जमावड़ा लगा हुआ है। लोग अनशन पे बैठे हैं, यहाँ पे पोस्टर भी लगा हुआ है, बलात्कार के खिलाफ आमरण अनशन, नहीं सहेंगे तुरंत फांसी दो। यहाँ पे स्वाति मालवीय जी भी, जो कि दिल्ली महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो भी आने वाली हैं। तो हमारे सहयोगी आपको पूरी रिपोर्ट अब दिखाएंगे और यहाँ हम लोगों से जानना चाहेंगे कि किस लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। जी सत्य, मैं आपको बता दूं, हैदराबाद में जो गैंग रेप हुआ है उसके बाद लोगों के में एक आक्रोश जुड़ा हुआ है, वो पूरे सरकार पर टूट पड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं भारी संघर्ष के मुकाबले हो रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया कि वी वांट टू लिव इन रिपब्लिक नॉट इन रेप पब्लिक। जैसे आप जानते हैं कि महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं कर रही है, यही मैं अभी जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आप जैसे हमारे साथ देख रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा प्रबंधी कर रखी है, वहाँ पे कई सारे प्रोटेस्टर्स हैं, मैं भी जंतर मंतर में मौजूद हूँ। और यही सेम महोदय हमें मिला था 7 साल पहले निर्भया के कांड में, जो हमने आज भी, जो 7 साल पहले भी और आज 7 साल बाद भी यही हुआ है। कितने ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं, रोडों पर संख्या उतरी, संसद में मार्ग हुआ, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सवाल सिर्फ एक, न्याय मिलेगा तो कब मिलेगा, और मिलेगा तो हमें कौन देगा। आइए हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे नारे लगाए स्वाति जी, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वी वांट जस्टिस फॉर प्रियंका। आइए इन लोगों से पूछते हैं कि इनकी क्या मांग है सरकार से। आप यहाँ पे क्यों संघर्ष कर रही हैं? हम स्वाति जी का साथ देने के लिए आए हैं, जो छोटे बच्चों के साथ हम अनशन पे बैठ हो रहे हैं और उनका सपोर्ट करने आए हैं ताकि ये रुक सके। ताकि, तो आपके लिए किसको जिम्मेदार ठहराती हैं? इसके जिम्मेदार पहले तो एक हमारा कानून है कि अब तक ऐसा कानून नहीं बन पा रहा जिससे कि जो बलात्कार करने वाले हैं उसके अंदर डर बैठे हैं। ये सबसे जो मेन है वो हमें कानून को ही ठहर जाए। तो आप जानते हो उन लोगों का कोई दोष नहीं जिन्होंने ऐसा किया, आप सरकार पे सवाल उठा रही हैं? नहीं, उन लोगों पे है, जब उन लोगों के मतलब मन में ही डर नहीं है तो फिर लोग तो करेंगे ही। सवाल बिल्कुल उठा रहे, क्योंकि जो हमारा कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है, तो इसलिए जनता का जो दायित्व है सीधा केंद्र सरकार को देंगे, क्योंकि उनके हाथ में है कानून। कानून अगर, जब 1 साल पहले दामनी कांड के लिए लोगों ने मांग की थी, उनको ऐसा कानून बना देना चाहिए कि क्या कहते हैं, तुरंत रेपिस्टों को फांसी होनी चाहिए। क्यों नहीं कर रही केंद्र सरकार जनता के हित में काम, क्यों नहीं दिलाना चाहती जनता को न्याय? तो इसलिए सरकारी जो दोषी है, क्योंकि हम जब सरकार चुनते हैं इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी रक्षा कर सके, हमारी बहन बेटियों की महफूज रहे रक्षा। जब वो कर ही नहीं सकती तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो इस कुर्सी के लायक ही नहीं है, जब वो अपनी जनता की रक्षा नहीं कर सकते तो उनको क्या अधिकार है, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए अपनी इस कुर्सी से। अब यहाँ पे क्यों आए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रोटेस्ट आज सरकार से सवाल पूछने आए हैं, सरकार से जवाब मांगने आए हैं। आखिर हर प्रदेश में महिलाएं कब तक असुरक्षित रहेंगी? एक 3 महीने की बच्ची से लेकर 100 साल की बुजुर्ग महिला तक इस देश में सुरक्षित नहीं है। कब तक सरकारें आती और जाती रहेंगी? ये औरत की अस्मिता का सवाल है, ये सियासत का सवाल नहीं है। एक लड़की को लकड़ी समझ के जला दिया गया, कल मैं भी हो सकती हूँ, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी हो सकती है। तो इस देश में आखिर सरकार कब सुनिश्चित करेगी कि अपराधों पर रोक लगाया जाए? फांसी देना तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, पर प्रिवेंशन कब करेगी सरकार, रोकथाम कब करेगी इस चीज का? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल तब तक रहेगा जब तक सरकार सदन में ये सुनिश्चित ना करे कि हमारे देश की प्रशासन व्यवस्था और न्यायपालिका में न्याय जल्द मिले, प्रशासन तत्काल प्रभाव से एक्टिव हो, ये सुनिश्चित करना होगा हमारी सरकारों को। मेरा नाम मनोज भारद्वाज है। अब यहाँ पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या नाम है? जिस प्रकार से महिलाओं पे जो रेप और ये वारदात हो रही है, मर्डर कर दिया जाता है रेप करने के बाद में, उनके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी केवल एक ही डिमांड है सरकार से कि उनको तुरंत, 1 महीने में नहीं, तुरंत फांसी दो। इसमें डिले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी कबूल कर लिया कि हाँ, हम लोगों ने रेप किया है, हम लोगों ने मर्डर किया है, तो मर्डर किया है उन्होंने, विक्टम्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो डिले करने का फायदा क्या है? राजनीति चमकाने का, राजनीति कोई फायदा नहीं है। राजनीति से ऊपर उठ के सोचने का वक्त आ चुका है, और यदि वो नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक इस चीज के लिए आगे आने वाले समय में सब लोगों को सबक सिखाएगी। जैसा कि आपने देख रहे हैं, लोग यहाँ पे बैनर और पोस्टर लेके आ गए, इनके पोस्टर लेके टाइम हैज नाउ केम टू टेक एक्शन #rapefreeindia। ये सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को फांसी करी जाए। मेरी सरकार से यही मांग है कि जब वो बलात्कार करते समय जब उन्होंने कोई तय समय नहीं तय किया, उन मतलब लड़की ने उनसे मदद मांगा, उनको स्कूटर पंचर करके और कहीं
झाड़ी में ले जाके बलात्कार कर दिए और उसके लिए कानून क्यों बनाया जा रहा है? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि उनको जब वो स्वीकार कर लिए हैं कि हाँ हमने बलात्कार किया है तो उनको तुरंत फांसी दिया जाए और 2012 दिसंबर में जो बलात्कार हुआ था उनके आरोपियों की दया याचिका राष्ट्रपति के पास क्यों गई है? जब उन्होंने बलात्कार किया है तो किस बात की दया? वो राष्ट्रपति से पूछ के बलात्कार किए थे? तो तुरंत कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कानून नहीं होने चाहिए, तुरंत उन्हें फांसी की सजा और 10 दिन के अंदर, महीनों वर्षों लग जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बहनों का विश्वास आज हमारे ऊपर से उठ जाएगा, इसलिए मैं सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से यही निवेदन करता हूँ कि आप कानून न बनाए, तुरंत जैसे ही स्वीकार कर रहे हैं उनको फांसी दीजिए, नहीं उनका एनकाउंटर कीजिए। नारी सुरक्षा लेकर कई बुरा मुद्दा बनाया जा रहा है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? प्रोटेस्ट हमें नारी सुरक्षा चाहिए और क्या, सारे लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। आप लोग कहाँ से? महाकाल मानव सेवा हमारा संस्था है, उसके तहत हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप तलवार लेके यहाँ पे क्यों आई है? कारण ये है कि हमें प्रशासन से भरोसा उठ चुका है, कानून से भरोसा उठ चुका है। अब मैं सभी बेटियों की, देश की बेटियों को आह्वान करती हूँ कि अब इनके भरोसे मत रहिए। अगर अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो झांसी की रानी बनिए, दुर्गा बनिए, काली बनिए, तभी आपकी सुरक्षा संभव है। अन्यथा ये प्रशासन हाथ में चूड़ियां पहने हुए ये आपको कभी भी न्याय नहीं दिला सकते। कानून अंधा है। 7 साल से निर्भया केस का अभी भी फाइल पड़ा हुआ, अभी तक उसे फांसी नहीं मिला, तो फास्ट ट्रैक किसे कहते हैं? वो न्यायाधीश से मैं पूछना चाहती हूँ, फास्ट ट्रैक का मतलब क्या रह गया जो 7 साल अभी तक कोर्ट में वो फाइल पड़ा हुआ है? तो अब बताइए क्या भरोसा? इसीलिए हम तलवार लेके दुर्गा और काली रूप में हम निकल चुके हैं। गैंग रेप हुआ था, उसके बाद जो लोगों का हुआ आक्रोश है वो पूरे देश में एक आग की तरह फैलता जा रहा है। यहाँ पे दुनिया भर से लोग प्रोटेस्ट करने के लिए अभी हम लोग जंतर मंतर पे मौजूद हैं। जैसे कि इनकी एक ही मांग है कि हमें आजादी चाहिए, उन आरोपियों से हमें आजादी चाहिए। आखिर कब तक देश की महिलाएं, बहन बेटियां इनको सहन करती रहेंगी? कानून तो बहुत मिला लेकिन न्याय इनको नहीं मिला। 7 साल पहले जो निर्भया का केस हुआ था अभी तक न्याय उनको नहीं मिला है। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी इन हालातों में आपके घर बेटी होती क्या आप उसको बचाने की कोशिश करते? आने वाली टाइम में माँ बाप बेटी पैदा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। मुझे तो लगता है आज से वो वक्त बहुत अच्छा था जब बेटियों को दूध में मार दिया जाता था, कम से कम उनको ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मैं सरकार से गुहार लगाऊंगी कि बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और रेप करने वालों को फांसी की सजा दी। सत्यम, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि प्रधानमंत्री हमारे चुप क्यों बैठे हैं, सरकार इस पे चुप क्यों बैठी है, वहीं तेलंगाना के केसीआर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पे एक फंक्शन अटेंड करने के लिए आते हैं, बल्कि वो अभी तक पीड़िता के घर पे नहीं गए हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। देश के बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी चुप बैठी हुई है, सरकार चुप बैठी हुई है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इस आक्रोश और दुखित घटना पे लोगों की क्या राय है, जनता की राय को भी आपसे सुना, दिल्ली महिला अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी आपने सुना, और इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क। कैमरामैन शुभम यदुवंशी के साथ सत्यम तिवारी, प्रभा साक्षी, दिल्ली।